धमतरी पुलिस चाकूबाजी की घटनाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मामला धमतरी जिले का है, जहां जिला एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के इस एक्शन से ऐसे युवाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है, जो ऑनलाइन तरीके से हथियारों को ऑर्डर करते हैं। दरअसल त्यौहार और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए धमतरी पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। एएसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि पुलिस ने करीब 40 धारदार हथियार, 2 एयर 1 लाइटर पिस्तल जब्त किया है। यह पूरी कार्रवाई धमतरी कोतावली और साइबर सेल की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि अधिकतर हथियार नाबालिग बच्चों से बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार चुनाव को देखे और त्यौहार सीजन को देखते हुए सभी थाना क्षेत्र में आम सेल की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल और थाना प्रभारियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के जो साइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अन्य, उस पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी। उसी कड़ी में ये 40 चाकू और कुछ लाइटर टाइप के, आधुनिक टाइप के चाकू हैं, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग टाइप के, इसमें आप लोग देख रहे हैं, इस जो हथियार ऑनलाइन मंगाए गए हैं उसको जब्त किया गया है। इसमें आधे से ज़्यादा नाबालिग लड़के हैं। उनके घर वालों को, उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई हथियार मंगाता है तो उनके नाम अभी रजिस्टर